वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाणी गुरु कहवाए बिच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन माने पर तब गुरु निस्तार। ये शब्द गुरु तो महान सेव लेके जीवन सवार सकी है। ये अरदासा चोरिया चलना चापा उच करिया है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृत पई इलाही बाणी सुखमनी साहब जी की पावन बाणी की विचार व्यक्ति करना आप महाराज जी चलता रहे। इस आस से विश्वास के नाल सतगुर मेहर करके ये पावन बाणी का जो भाव है वो साढ़े हिरदों वसा के साथ हिरदा जो है रूपांतरित करें। जो सा निश्चय से भरोसा पूरा होगा तो जरूर साढ़े हिरदा के लिए तब्दीली आएगी। अज आप अष्टपदी की तीजी पौड़ी की विचार करनी है। इस पावन पौड़ी के अंदर गुरु पातशाह पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी की पावन सम्मान करते हैं। वेद पुराण सिंधत में एक ससिया सूर नखत में एक पाणी प्रभु की सबको बोले आप लो न बोलो न सर्व कला कर खेल है खेल मोल न पाइए मैं अमोल है सर्व जोत में जाकी जोत कार्य रो स्वामी को गुरु प्रसाद परम का नास नानक की मैं ये विश्वास गुरु प्रसाद परम का नास नानक की मैं ये विश्वास। कितनी बड़ी रहमत है ना जो गुरु कृपा सदके साडे परमा भुलेखियां दा रस जावे क्योंकि परमित होया बंदा गुमराह हो जाता है ते गुमराह होया बंदा अपनी उस कामयाबी दी मंजिल तों वांझा रह जांदा है जिस मनोरथ के लिए इस जीवन सफर में भेजा गया है तो जो इसने प्राप्त करना से उस तो भटक रहा है भटक गया है। तो शास्त्र जी जदों तक असं परम भुलेखियां में हाँ साडा हुंदा की है एक केंद्र बिंदु तो आप यात्रा शुरू करते हाँ तो फिर कुछ अगे चलते हाँ सही दिशा में चलते हाँ फिर किसी ने फरमाया सानू कि इंज नहीं इंज करना इंज हो जाएगा फिर आप दूजी दिशा फड़ ली फिर कुछ रस्ता उत्ते चले फिर वापस वो कम नहीं बनिया फिर वापस आ गए किसी ने होर सलाह दी इंज करना इंज हो जाएगा। तो शास्त्र जी इंज करते 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 जिस केंद्र बिंदु तू यात्रा शुरू की सी ना उस तो ही पिछे चले जाओगे वो मंजिल ते की मिलनी है उस रस्ते में इस कदर पटक गए कि जिस केंद्र बिंदु तक पहुंचे सी ना उस तो ही पिछा चले गए। इसलिए जदों तक असं परम भुलेख्या में हाँ ताइयों तो सत्संग जी कोई कहना है कि ये करने इंज हो जाएगा फिर सियाने कहते हैं सूझवान कहते हैं जे इस तक तो नहीं ना मिले तो उस ना मिलने में कोई भलाई नहीं मिली बस इतने निश्चय रहते जो साढ़े ये भटकना बनी रही फलानी जगह जाके चले जाओ फलानी जगह मत्था टेको फलानी जगह ये कराओ तो फिर सत्संग जी फिर आप अजे परमा भुलेखिया में हाँ क्योंकि ये सर्व कला समर्थ है गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी ते जदों पावन बाणी अनुसार ही साडा जीवन बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपां चल रहे हाँ ते फिर सासवी उसके बावजूद जे साडी कोई अरदास जो है वो पूरी नहीं हो रही है या सानू जो साडी असी भावना बनी है जो मंग रहे हाँ वो नहीं मिलिया है तो यकीन जानो उस ना मिलने के पीछे कोई जरूर ना कोई बहुत वड्डा राज छिपा होगा बहुत वड्डा साडा कोई भला छिपा होगा नहीं तो घर तो तेरे सब कुछ है उस मालिक के घर में कोई कमी थोड़ी है भी सानू ना देवे उसके पिछे कोई राज होगा उसके पिछे कोई भला होगा पर असी इहो जिहे निकम्मे हाँ जिते गुरु पातशाह ने कहना पे सुखमनी साहब दस वस्तु जै पाछे पावे एक वस्तु कारण विखोट गवावे एक वीणा दे दस वीर ले तो मूर्ख तो क्या करे। ये मूर्ख बंदे जिस को तू दस चीजा मंगिया बिना मंगे भी मिलिया तो मंगिया तद भी मिलिया ग्यारहवीं मंगी ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਢੇ 400-550 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕਾਵ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਮਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਕਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਾ ਮਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੁਛ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਕਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਰਾਧੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਅਰਾਧਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਸਭ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਸਿਆ ਸੂਰ ਨਖਤਰ ਮੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਆਪਕ, ਉਹ ਸਭ ਥਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਤੋਂ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦਾ ਵਗਣਾ, ਚੱਲਣਾ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਕਲ ਕਲ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਸਰਾਹਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਾਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ, ਆਪ ਅਡੋਲਣ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡੋਲਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਸੰਗ ਜੋ ਇੱਕ ਉਪਰ ਉਸਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਖੇ, ਛੋਟਾ ਆਖੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਉਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੇ। ਉਸਨੂੰ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਆਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਐਸੀ ਰੰਗਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਠਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂ ਡੁੱਲੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਤਕ, ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਕੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਾਰੀ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਲਾਂ, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਵਿਪਰੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਉਤਨਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਖੇਲ ਹੈ ਖੇਲ, ਮੋਲ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਣ ਅਮੋਲ। ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਅਨੰਤ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਆਂਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੁੱਤ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇਗਾ ਉਸਦਾ ਭੇਦ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੇਗਾ? ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਿਅਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ
हरेक धर्म ग्रंथ जो कह रहे हैं उसके मुताबिक चलो। उन्होंने कर्म कांड धर्म का एक अंग है। इतने सत्संग जी कर्म कांड की तुलना गुर्जर भूमि नाल की है। हुण जिहड़े धर्म ग्रंथ जिस रूप में उन्होंने सिक्ख्या दे रहे हैं तो गुरु पातशाह ने किसी धर्म की निंदा नहीं की। गुरु नानक पातशाह की बाणी में पढ़ लो, तुम भक्तों की बाणी में पढ़ लो, कितने नहीं किया कि तुम इना करो, पर यह क्या है भी इंज करन नाल की होगा इतने विचारण का विषय है। जिम्मे जी देव की गल आई तो गुरु नानक पातशाह ने कहा ना भी जे योज पहली गल तो समता नहीं नजर आई गुरु नानक पातशाह कहते हैं ये जनेऊ मेरी माता या मेरी भैन क्यों नहीं पाया गया, इतने भेद आ गया। हूँ सत्संग जी फिर गुरु पातशाह कहते हैं भी कोई योजा जनेऊ जिहड़ा ना टुटे ना जिसनों बैल लगे जिहड़ा ना जिसनों अग सार सके, कोई योजा जिसकी जंत दियां गंढां होण, इस तरह का कोई जनेऊ है तो जिहड़ा नाल भी जावे मेरे जदों ये शरीर खत्म हो नाल भी जावे, इस तरह का जनेऊ कोई है तो मैनू पा दो, मैं कोई इतराज नहीं। हूँ सत्संग ये नहीं किया कि जनेऊ पाना गलत है, पर इहो जिहा जनेऊ पाओ तो फिर सत्संग जीओ आपां गुरु तेग बहादुर जी के साहब जी के जीवन के समा आपां वेखदे हां उसे जनेऊ की रक्षा। हुण जिहड़ा दा धर्म है जनेऊ पाना उन्होंने धर्म का एक अंग है, उन्हों का एक प्रतीक है, चिन्ह है, उत्थे गुरु पातशाह उन्होंने प्रतीक की रक्षा के लिए जिसनों गुरु पातशाह नहीं अपना रहे नहीं पा रहे पर जिहड़ा पा रहा है उसकी उस सलामत रवे वो पा सकन उसने गुरु पातशाह दिल्ली की जानी जो कि जाके शहादत दे देते हैं। तिलक जंजू राखा प्रताप किनो बड़ो कलू में साता जिन्होंने इन्ना वाला साता वरता दिता कि उन्होंने तिलक के जनेऊ की रक्षा के लिए गुरु पातशाह ने आप बलिदान दे दिता। हुण इत्थे गल किसी धर्म की बुराई तो है ही नहीं, पर तुहाडा धर्म की कहता तुहाडा ग्रंथ की आखदा है उसके मुताबिक जीवन बना लो। गुरु पातशाह प्रमाण करते हैं सर्व कला करके लै के मोल ना पाइए गुना अमोल, वो बेश कीमती है उसका मुल नहीं पाया जा सकता। सर्व जोत में जाति जोत सब में जोत जोत है सोई जो आप पढ़ते हैं आरती में गुरु नानक पातशाह कहते इतना ये गुरु पातशाह का उच्चारण किया हुआ आरती वाला एक शब्द जोड़ा है गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर ने जो जिन्होंने किसी ने कहा गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर किसी ने कहा आप जी ने राष्ट्रगान लिखा है जंतर मंतर उन्होंने लिखा हुआ है तो कहते हैं जेकर तुम विश्व तराना लिखना होगा विश्व गान लिखना होगा तो कि लिखते तो अजे तक क्यों नहीं लिखा। जो गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर जिहड़े ने वो आखते हैं कि वह तराना विश्व गीत जिहड़ा है वह बाबा नानक गुरु नानक पातशाह ने गाया है उदों उन्होंने जिक्र किया सब मैं जोत जोत है सोई इससे इस तो बड़ा तराना होर की हो सकता है इस तो बड़ा विश्व गीत सारी मनुखता एक धागे परो के उस वाहेगुरु की उस सारी प्रकृति में उसकी आरती करते हुए विखा के इस तो बड़ा विश्व तराना होर की हो सकता है विश्व गान की हो सकता है ते इहो ही पाव इस पावन पंक्ति के अंदर आपां वेख रहे हां। गुरु पातशाह फरमान करते ने सब सब सर्व जोत में जाकी जोत तार रहो स्वामी को ओत पोत के ताने पेटे की तरह उस सारिया दे विच ताने पेटे की तरह समाया होया है ते सत्संग जी कोई थां जिवें इस पूरे पूरी अष्टपदी के अंदर उस वाहेगुरु की सर्व व्यापकता का जिक्र किया गुरु पातशाह ने कि ताने पेटे की तरह सारे दे विच व्याप है तार रहो स्वामी को गुरु प्रसाद परमपरा गुरु कृपा सदके सारे परम भुलेखिया का नाश हो जाता है ते इसके नाल की बख्शिश होती है नानक तिन्हें ये विश्वास उन्होंने अंदर ये विश्वास दृढ़ हो जाता है कि सब कुछ करण कराओं में समर्थ वो वाहेगुरु है ते इसलिए परम भुलेखिया में ना बह के एक की आराधना करनी है एक वाहेगुरु का नाम जप जप के ही होमे नूं गवाउणा है ते किसी भी तरह के कर्म करना विच नहीं उलझना क्योंकि श्रद्धा विहीन जितने भी कर्म ने उस सत्संग जो कर्म करना दे विच नाल उसकी तुलना की है। हुण सत्संग तुसीं अपना गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च पढ़ोगे ना उत्थे चाहे जोगी नूं समझा रहे गुरु नानक पातशाह चाहे मुसलमान नूं समझा रहे ने उसनूं इह नहीं कहा कि तुसीं इस धर्म नूं अपना लो। वो कहते ने जिहड़ा मुसलमान है मोमिन होवे उसका दिल मोम होना चाहिए उसकी पांच नमाजा किस तरह की होनी चाहिए ने सच हक हलाल दी होनी चाहिए ने तो फिर सारिया समझाया है तो सिख को समझाया है कि जे सतगुरु का जो सिख आवे वो पलकी उठ के उस वाहेगुरु का नाम जपे उसका सिमरन करे तो हरेक को समझाया है हरेक के धर्म के अनुसार तुम किसी अपने धर्म के अनुसार चलो तुम दूजिया की रीसा करके या उसके भ्रांति बह के तुम गावान डुबना होवो क्योंकि दो नावों के लत रखोगे तो डुबना ही डुब
सत्संग गुरु ग्रंथ साहिब जी ने इस लिए किया है ना, रोज अपना अरदास बेनती करते हैं ना, नानक नाम जपी कला तेरे पाने सरबत का बना, नानक नाम जपाने चढ़े सो तेरे पार, जो श्रद्धा तक सेवे गुरु पार उतार धार। जो आप श्रद्धा भावना एक ते निश्चय रखेंगे तद तद पार उतारा होना निश्चित है, तो जो आप दो बेड़िया के लत्तर रखा तो साढ़ा डुबना निश्चित है। हूँ आप फैसला कर लिए आप डुबना है कि पार उतरना है। वाहेगुरु मेहर करे बख्शिश करे साढ़े वाहेगुरु ने कृपा की है, सू एक खजाना मिले है, सू तो भटकन की लड़ ही नहीं है। ये लोग पर लोग सुखेती करने वाली पावन बारी अनुसार एक जीवन बनाइए, जिस सदके ये लोग सुखिए पर लोग सुखेते नानक अटुट आपने मेरे दिवस्था बन सके। भुलना चुका की कृपा बख्शियो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।